दोस्तों देखो, जबल अली हिंदू टेंपल में गोरे लोग फॉरनर भी हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो यहां आज आपको दिखा रहे हैं दुबई की दिवाली। सबसे पहले हम जा रहे हैं दुबई के नए हिंदू टेंपल जो कि जबल अली में बना है गुरुद्वारा के साथ, क्योंकि अगर दिवाली की शुरुआत भगवान की पूजा के साथ हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मंदिर के बाहर का नज़ारा किसी इंडियन मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो लोग बाहर ही जूते निकाल कर अंदर लाइन में लग रहे हैं, अंदर पूजा के लिए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दो लाइनें बनाई गई हैं, एक फैमिली के लिए और एक सिंगल्स के लिए। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा, ये मंदिर बिल्कुल नया है और स्पेशली दिवाली के दिन इसको अच्छी तरह सजाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये गेट है और इस पर कितने सारे फूल लगाए गए हैं, ऊपर सीलिंग को भी फूलों से सजाया गया है। तो यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है और स्पेशली दिवाली के दिन यहाँ पर आए हैं तो दिवाली का मज़ा दुगना हो गया है। पर सिर्फ एक बात है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो लाइन बहुत लंबी है। हमको कम से कम 30 मिनट का टाइम लगा लाइन में लगने के बाद अंदर जाकर मंदिर के दर्शन करने में। और जैसे ही आप अंदर बढ़ते हैं आप देखते हैं यहाँ पर प्रेयर हॉल है और इसके साथ ही यहाँ पर जूते रखने के लिए यहाँ पर जगह भी है, पर लोग जूते बाहर निकाल रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अंदर आते हैं तो आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जूते रखने की जगह है और यहाँ पर वर्शिप हॉल भी है, आप यहाँ पर आ सकते हैं वर्शिप के लिए, प्रेयर करने के लिए, साधना करने के लिए। और ये सामने आप देखते हैं मंदिर की घंटियों को देखकर मन इतना खुश होता है। और अंदर आते हैं, ये है मंदिर का मेन हॉल। यहाँ पर आप सीलिंग देखते हैं, कितनी अच्छी प्यारी सीलिंग बनाई गई है और उसकी सीलिंग में देखो कमल का फूल जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वैसे मंदिर के मेन एरिया में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो बना रहा हूं ताकि आप दर्शन कर सकें मंदिर कैसा है, मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां हैं। यहां पर बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां रखी गई हैं, पर इनमें से कुछ एक ही आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ। और देखिए, इस मंदिर में यहाँ पर ड्राई फ्रूट मिलता है प्रसाद के तौर पर। और दोस्तों, मंदिर में आप सेवा करना चाहते हैं या टाइमिंग पता करनी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे आपको देखने को मिलेगा दिवाली का फायरवर्क्स। दोस्तों, आज दिवाली के दिन आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियां और पैसा लेके आए। सो दोस्तों, मंदिर से 40 मिनट की ड्राइव करने के बाद जबल अली से अब हम आ चुके हैं मनखूल एरिया में जो कि बुर दुबई में है और दुबई में फेमस है दिवाली के फायरवर्क्स के लिए। अगर आपको इस जगह की लोकेशन चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से गूगल मैप को फॉलो करके आसानी से इस जगह पर पहुँच सकते हैं। जब भी हम इस जगह पर दिवाली मनाने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिया में ही दिवाली मना रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ एक तरफ नहीं, चारों तरफ यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, घरों को सजाया गया है। ये है यहाँ का फेमस होटल, इसके सामने यहाँ बड़ी पार्किंग है जहाँ पर ये फायरवर्क्स किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी उम्र के लोग यहाँ पर आकर फायरवर्क्स करते हैं। और दोस्तों, चाहे इंडिया हो या दुबई हो, ऐसे फायरवर्क्स में कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है और शायद इसीलिए एम्बुलेंस ही आई है और इस एरिया में अंदर की तरफ जा रही है। और दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, दुबई के अल मनखूल एरिया में हर साल इतने सारे पटाखे बजाए जाते हैं, इतना सारा खर्चा पटाखों पर किया जाता है जो कि बुर्ज खलीफा पर होने वाले सालाना नए साल के फायरवर्क्स के खर्चे से भी ज़्यादा होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जिसमें हमने आपको दुबई का नया हिंदू टेम्पल दिखाया और दुबई की दिवाली दिखाई। तो ऐसे ही दुबई की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको दुबई के अपडेट्स मिलते रहें। बी सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, दुबई में इस बार पटाखों की पूरी कालाबाजारी हो रही है। पीछे जो अनार जल रहा है वो 400 दिराम का एक अनार है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।